नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है सत्यनारायण गोयनका और इन्होंने भारत में लुप्त हो चुकी विद्या विपासना को पुनर्जीवित किया। वैसे तो दोस्तों, विपासना आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की एक विद्या है जिसे गौतम बुद्ध ने विकसित किया था। माना जाता है कि गौतम बुद्ध से भी पूर्व यह विद्या 7000 वर्ष के पूर्व भारत में योगियों के पास मौजूद थी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को इस विद्या के माध्यम से मुक्ति को प्रदान किया था। तो आइए हम जान लेते हैं उन महान आत्मा सत्यनारायण गोयनका के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सत्यनारायण गोयनका, जिनका जन्म 30 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ, उनका जन्म बर्मा में हुआ था। उन्होंने सैयाजी उबा खेन का अनुसरण करते हुए 14 वर्षों तक उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उनके अनुसरण में विपासना को सीखा। 1961 में वे भारत में आ गए और शिक्षा देना शुरू कर दिया। उनके जीवन के बारे में आइए हम जान लेते हैं कुछ रोचक चीज़ें। दोस्तों, वैसे तो सत्यनारायण गोयनका जी का जन्म वर्तमान में हुआ था। उनके माता पिता मारवाड़ी जातीयता के लोग थे। गोयनका जी का पालन पोषण रूढ़िवादी हिंदू सनातनी घर में हुआ। वे एक सफल व्यवसायी थे। जब 32 वर्ष की आयु हुई उनकी, तो उन्हें एक अजीसी नाम की बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। उचित राहत पाने में वो असमर्थ रहे। इसके लिए उन्होंने सैयाजी उबा खेन से मिले। हालांकि उबा खेन ने उन्हें शुरू में अपना शिष्य मानने से अनिच्छित कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद उन्होंने उनको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वे माइग्रेन से पीड़ित थे, जिसमें वो हर 15 दिन में उनके सिर में दर्द होता था। इनका इलाज कोई नहीं था। उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाने लगे, पर इन इंजेक्शनों से वो एडिक्ट हुए जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपना इलाज स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान, यूके जैसे विकसित देशों में कराया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने विपासना का सहारा लिया। उन्होंने भारत में आकर 10 लोगों से सबसे पहले अपना शिविर लगाया और विपासना मेडिटेशन सेंटर्स की स्थापना की ऑल ओवर द इंडिया। आज उनके 170 से ज़्यादा सेंटर्स चलते हैं पूरे दुनिया भर में। दोस्तों, सत्यजी उबा खेन उनके गुरु थे और सत्यनारायण गोयनका जी भारत में सबसे पहले तिहाड़ जेल, बड़ौदा जेल, अन्य जेलों में कैदियों के साथ शिविर लगाए और उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। कैदियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रण लिया कि हम अपने आप में सुधार करेंगे। तो सत्यनारायण गोयनका जी का ये लाइफ का जर्नी रहा और उनका देहांत के बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले हम लोग बात कर लेते उनको पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, उनको 2012 के 63वें गणतंत्र दिवस पर भारत के तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सत्यनारायण गोयनका जी को विश्व के अनेक मंच जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका में आमंत्रित किया गया ताकि वह इस विषय पर लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे सके। उनका निधन हुआ 29 सितंबर 2013 को उनके मुंबई स्थित घर में हुआ। उनका पत्नी इलायची देवी थी और 6 पुत्र। वो इस दुनिया में छोड़कर अपनी महान कीर्तिमान को स्थापित करके चले गए। दोस्तों, सत्यनारायण गोयनका जैसे महापुरुष सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। वो मानव जीवन के कल्याण के लिए धरती पर आए हुए थे और आज भी उनके मेडिटेशन सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाए जाते हैं, जो कि उनके वीडियो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से चलते हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं होता है। विपासना बहुत ही शुद्ध धर्म है और इसमें लोग कल्याण अपना पाते हैं। इससे संदीप महेश्वरी, अरविंद केजरीवाल, हजारों लोग, लाखों लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक जगहों पर शेयर कीजिए ताकि सत्यनारायण गोयनका जैसे महान आत्मा के बारे में लोग जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।